चलिए जय हिंद दोस्तों, डाउट सॉल्विंग सेशन लेते हैं। कोई भी डाउट है आप लोगों के, आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, चैट बॉक्स ओपन नहीं है, मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप लोगों के, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गणेश जी। हैप्पी नवरात्रि मनन जी। हेलो गौतम जी, बताइए कोई भी डाउट है, कुछ भी है आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी सवाल में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। हमारे कंपाइलर से हैं तो आप कंपाइलर से भी ले सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कोई डाउट आप लोगों को पूछना है पूछ सकते हैं। कल का हमारा सेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का रहेगा, ठीक है, 10 बजे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, तो कल ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। हैप्पी नवरात्रि शुभम जी। गुड मॉर्निंग सचिन जी। मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट इज ओनली फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स और कैन इट बी यूज व्हेन देयर इज चेंज इन परचेज कंसिडरेशन ऑल्सो। गौतम जी, ये जो मेजरमेंट पीरियड, आप शायद इंडेस 103 की बात कर रहे हैं। तो इंडेस 103 में जो मेजरमेंट पीरियड होता है, वो मेजरमेंट पीरियड सिर्फ एसेट्स के लिए होता है। एसेट्स की फेयर वैल्यू चेंज होगी, भाई हमको बाद में पता चल रहा है कोई इन्फॉर्मेशन उसके कारण, तो परचेज कंसिडरेशन कोई रीजन से चेंज नहीं हो सकता है। परचेज कंसिडरेशन चेंज होने का एक ही रीजन है, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, एक्सक्यूज मी, चेंज इन कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन वैसे भी पीसी को चेंज नहीं करता, पीसी के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आता। तो आप जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट जनरली सिर्फ किसके लिए रहेगा कि भाई मैंने कोई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, जिस दिन मैंने गुडविल बार्गेन परचेज निकाला, उस दिन मैंने बराबर नहीं निकाली होगी, कुछ गड़बड़ हुई होगी, उस चक्कर में रहता, और कुछ भी नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टीवाई के क्वेश्चन 2, चलिए देखते हैं भाई। वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आप जो टीवाई के बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों का सेशन हो चुका है, आपको वहीं पे मिल जाएगा पूरा का पूरा। हमने तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के सारे सेशन लिए हैं, तो टीवाई के क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे वहां पे। मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट, नहीं नहीं ये तो वो प्रीपेमेंट वाला ऑप्शन है, एम्प्लॉय को आपने प्रीपे करने का ऑप्शन दिया, ये तो हम लोगों का ऑलरेडी टीवाई के में हो चुका है ना। टीवाई के सेशन जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हुआ था, उसके अंदर में ऑलरेडी हो चुका है। सर इंड एस 103 में एसोसिएट टू सब्सिडियरी का बता दीजिए। तो देखिए, जब एसोसिएट सब्सिडियरी में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, आपका ये डाउट है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि मैं तो इक्विटी मेथड लगा रहा था, है ना, जब एसोसिएट थी तो मैं इक्विटी मेथड लगा रहा था। तो इक्विटी मेथड के हिसाब से सपोज कीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट था 10 लाख। इसमें सपोज कीजिए कि इंक्लूडेड है गुडविल 1 लाख, ऐसा मान लेते हैं कि हमने खुद तो भी गुडविल निकाला था। उसके बाद हमने इसके प्रॉफिट्स ऐड किए थे, सपोज कीजिए 1 लाख के प्रॉफिट ऐड किए थे, OCI रिक्लासिफाइबल हमने कुछ 50,000 रुपये के ऐड किए थे, और OCI नॉन रिक्लासिफाइबल हमने करीब करीब लेट्स से 60,000 रुपये के अभी तक ऐड कर चुके हैं। तो सब कुछ मिला के 12.1 लाख रुपीज़ का हमारा दिख रहा है यहाँ तक का वैल्यू। अब क्या हो रहा है, जिस दिन ये सब्सी कन्वर्ट हो रही है, तो सपोज़ कीजिए इस दिन आपके पास 30% शेयर्स थे, अब आपने क्या किया, और 30% शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो आपने और 30% शेयर एक्वायर किए, तो आपने इसके लिए कुछ पैसे दिए होंगे। सपोज कीजिए कि इस एक्विजिशन के लिए आपने 15 लाख रुपीज़ दिए, तो अब ये 15 लाख, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में ये 15 लाख और जो ऑलरेडी मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, उसकी फेयर वैल्यू, लेट से वो भी 15 लाख ही हो रही है ना, सेम ही है ना, 30% पहले भी थे, 30% और ले लिए, तो हम मानेंगे 30 लाख रुपीज़ हमारा परचेज कंसिडरेशन है। पर सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि बुक्स में तो 12.1 दिख रहा था, आप बोल रहे हो 15 की वैल्यू लेना, तो करना क्या है, तो जो डिफरेंस है वो पीएल में जा रहा है,
ठीक है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो इक्विटी मेथड से दिख रहा था 12.1 लाख उसको हटा देंगे, परचेज कंसिडरेशन को 15 लाख मान लेंगे, जो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस पीएल में चला जाएगा 2.9 लाख रुपीज़ का, प्रॉफिट 2.9 लाख रुपीज़ का आपके पीएल के अंदर में बुक हो जाएगा। बस इस तरीके से अकाउंटिंग होती है। अब जो ऑलरेडी आप जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ये तो पीएल में जा चुका है, इन दोनों के रिजर्व्स बने पड़े होंगे, 50,000 का भी रिजर्व बना पड़ा होगा, 60,000 का भी रिजर्व बना पड़ा होगा, जो रिक्लासिफाइबल है उनको आप पीएल में डाल देंगे, ओसीआई रिक्लासिफाइबल डेबिट टू पीएल, ओसीआई रिक्लासिफाइबल डेबिट टू पीएल, ऐसा आप एक एंट्री पास कर दोगे। जो नॉन रिक्लासिफाइबल है उसको रिटेन अर्निंग में डाल दोगे, ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। समझ में आ रहा है, यानी इनके रिजर्व्स बने पड़े हैं आपके ऑलरेडी, तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो ये सबके तो हमने टीवाईके में क्वेश्चंस किए हैं ना, आप टीवाईके के सेशंस आप लोगों ने देखे नहीं ना, प्रॉब्लम वो है सर। इंडिया 36 में व्हेन एनसीआई इज ऑन फेयर वैल्यू देन फुल गुडविल देन नोशनल गुडविल कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पार्शियल गुडविल मेथड में नोशनल गुडविल कैलकुलेट होता है। इंडिया 103 टीवाईके क्वेश्चन 2 में जो रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है उसमें ईपीएस का पता कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दीजिए। सचिन जी हमने रिवर्स एक्विजिशन का एक वीडियो लिया है, आप सर्च कीजिए चेन होल्डिंग एंड रिवर्स एक्विजिशन सुमित सारडा नाम से, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इंस्टीट्यूट का दिया हुआ ईपीएस गलत है, बाकी मैंने उसमें डिस्कस किया है कि आपको ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट अगर आप जो भी पास एग्जाम पेपर्स है जिसमें भी ये क्वेश्चन आया है वो भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, अभी हम लोग करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए मैं वो ईपीएस नहीं समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। ओके हेमंत दीपक जी का कहना है रिवर्सल ऑफ इम्पेमेंट इंडिविजुअल एसेट के केस में हम एसेट को टोटल एप्रिसिएशन के अमाउंट से डेबिट करते हैं, बट सीजीयू के केस में सिर्फ जितना रिवर्सल अलाउड है उतने अमाउंट से ही डेबिट करते हैं, ऐसा नहीं होता दीपक जी। दोनों ही केस में चाहे वो सीजीओ चाहे वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एसेट हो, आप कितना रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के केस में आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर इंपेयर नहीं हुआ होता तो एसेट हमारे बुक्स में कितने का दिख रहा होता है, चाहे सीजीओ चाहे एसेट हो, दोनों केस में यही होता है। सपोज कीजिए 10 लाख का एसेट है, ठीक है ना, 10 ईयर्स की लाइफ है, तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन माइनस करके 9 लाख रुपए की वैल्यू हो रही है, आपने बोला कि इसका रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख है, तो आपने 4 लाख रुपए का इम्पेमेंट लॉस बुक कर लिया। अब 1 साल और हो गया, ठीक है ना, 1 साल और हो गया, तो 4 लाख 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 9 ईयर, आपने इसको ऐसे डिप्रिशिएट कर दिया। 1 मिनट मेरा कैलकुलेटर रुक जाइए ज़रा, कहाँ गया, हाँ ये रहा ये रहा। तो भाई 5 लाख डिवाइडेड बाय 9, मैंने 55,555 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो 5 लाख का एसेट 55,555 एसेट मेरे बुक्स में दिख रहा है 4,44,445, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर हमने इम्पेयर नहीं किया होता तो ये एसेट कितने का दिख रहा होता, 9 लाख का दिख रहा होता, पर 1 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होता, यानी एसेट 8 लाख का दिख रहा होता। चाहे सीजीओ चाहे एसेट मेथड हो, यही टेक्निक होती है, यही टेक्निक होती है, जिसका रिवर्सल मैक्सिमम 8 लाख तक हो सकता है, इससे ज़्यादा रिवर्सल नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। सर अगर एग्जाम में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तो हम लोग कितने डेसिमल तक लेके कैलकुलेट करेंगे, अगर एग्जाम में पीवी फैक्टर नहीं दिया है तो? ओके नहीं दिया है तो मेरे हिसाब से 3 डेसिमल तक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 से करें 4 से करें, 1-2 रुपए से अगर आंसर अलग आ रहा है या 100 रुपए 200 रुपए से भी अलग आ रहा है, इंस्टीट्यूट मार्क्स दे रहा है, डोंट वरी। वो कभी तो भी एक प्रॉब्लम हुई थी एक टाइम पे, अभी वो दिक्कत नहीं आ रही है, अभी दे रही है मार्क्स इंस्टीट्यूट, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। सर हाउ टू ट्रीट एक्सचेंज डिफरेंस इन इंड एस 23 इन कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू ए सी आर वेटेड एवरेज कॉस्ट में 8% 20 लाख फॉर जनरल पर्पज एंड एक्सचेंज डिफरेंस 50,000। अमनदीप जी हमने इंड एस 23 का एक सेशन लिया था टीवाई के वाला सेशन, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जितना मुझे ध्यान में वो एक्सचेंज डिफरेंस का ही है, या फिर आप अगर एक्सचेंज डिफरेंस का मेरा वीडियो ढूंढेंगे, सिर्फ इसका स्पेसिफिक मैंने अलग से एक वीडियो भी डाल के रखा है जिसमें मैंने एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट समझाया है कि फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का कैपिटलाइजेशन किस तरीके से होता है, आप एक बार देखिए उसको, ठीक है। इस तरह से आप मेरे को बोलेंगे कि सर वेटेड एवरेज रेट 8% है, लोन लिया 8 लाख का, ऐसे नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज का पूरा ओपनिंग रेट रहता है, क्लोजिंग रेट रहता है, पूरा डिफरेंस के साथ समझाया जाता है, आप एक बार देखिए वीडियो मिलेगा आपको। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे ही नहीं है ऑलरेडी, 70-80 आवर्स के वीडियोस में डाल के रखा हूँ, आप लोग देखिए एक बार। हेमंदर जी का कहना है कि सर आरटीपी क्वेश्चन नंबर 5 में आपके रिवीजन वीडियो में बोला है थर्ड ईयर एंड में
बैलेंस है वो लेंगे एंड 9% के फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, बट आपके क्वेश्चन बैंक में ओल्ड रेट 12% एंड न्यू रेट 9% दोनों से रिमेनिंग वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब हेमंदर जी देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप क्या गड़बड़ करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज़ कीजिए कि मेरे बुक्स में एक 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसका अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12% है, ठीक है ना, और ये 5 साल के लिए इंस्ट्रूमेंट लिया गया है। इसके अंदर में हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 8% है, जो हम पे कर रहे हैं वो 8% है। तो आप क्या करते हैं, आप 8% का इंटरेस्ट 80,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 12% 5 ईयर्स करते हैं, फिर 10 लाख रुपए का पीवी फैक्टर 12% 5 ईयर्स करते हैं, बराबर है। आप लोग ये निकालते हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उत्ते पे आप इसको अकाउंट करते हैं। मैं फटाफट निकाल देता हूँ, एक काम करते हैं पीरियड को 3 ईयर्स कर देते हैं ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन फटाफट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यार है 1,92,147 7,11,780 903,927 ये वैल्यू आ रही है, तो हमने इसको इनिशियली इस वैल्यू पे अकाउंट कर दिया। अब सपोज कीजिए कि 1 साल हो गया, तो 1 साल हो गया तो आपका ओपनिंग दिख रहा है 903,927, इस पे मैं इंटरेस्ट ले लेता हूँ एट 12%, है ना, तो 108,471। आप पे कर रहे हैं 80,000, तो मैं बोलूँगा ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, तो ये आ गया 932,398, है ना। मैं बोलूँगा ये कैरिंग अमाउंट है। अब अगर आप बायबैक कर रहे हैं तो आप इसका फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, इसका फेयर वैल्यू निकाल दीजिए, डिफरेंस को पीएल में डाल दीजिए, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिक्स कर दीजिए कि भाई जो डिफरेंस है वो इक्विटी कंपोनेंट था, वो इक्विटी कंपोनेंट था। अब इस दिन इसका फेयर वैल्यू, इस दिन मार्केट रेट अगर 11% हो जाए तो 11% से रिमेनिंग 11% हो जाए तो 11% से आप इसकी फेयर वैल्यू निकाल लीजिए। देखो कैरिंग अमाउंट निकालने का ये एक तरीका है। मैं अब जैसे सपोज कीजिए 10 साल बाद बायबैक कर रहे हैं, 20 साल का पीरियड है, तो मैं 10 साल का ऐसा टेबल थोड़ी बनाते रहूंगा। तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ये जो कैश फ्लो है उसको ओरिजिनल रेट से ही डिस्काउंट कर देता हूँ, ओरिजिनल रेट से, जैसे 2 साल और फिर 10 लाख पीवी फैक्टर 2 साल, मेरे को यही वैल्यू मिलना है। मैं टेबल बना दूँ, जैसे 5 साल का ही डेटा है, 3 साल बाद बायबैक कर रहा हूँ तो टेबल बना दूंगा 3 साल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। पर जैसे 20 साल है, 10 साल बाद बायबैक कर रहा हूँ, 12 साल बाद बायबैक कर रहा हूँ, तो मैं पूरा टेबल थोड़ी बनाते रहूंगा। तो ऐसे केस में आप पुराने रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, आपको कैरिंग अमाउंट ही मिलने वाला है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, यार है 9,32,398, 9,32,398। तो ये तरीका होता है कैरिंग अमाउंट निकालने का। तो एक तो अपन ने कैरिंग अमाउंट निकाला पुराने रेट से डिस्काउंट करके, नए रेट से डिस्काउंट करके फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, डिफरेंस को पीएल में डालना, ये कंसेप्ट समझाया गया है। ठीक है, तो कंसेप्ट को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वैसा है सर, नवंबर में इंश्योरेंस वाला भी इंडेस जुड़ जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं, नवंबर अटेम्प्ट में तो नहीं जुड़ेगा नरेंद्र जी, पर उसके बाद मई 23 अपन बोल सकते हैं कि जुड़ जाएगा। देखिए जो इंश्योरेंस वाला है उसका NDS अभी तक नहीं आया है, तो उसका IFRS आया है, उसका NDS अभी तक नहीं आया है, तो नवंबर में तो नहीं, पर हाँ मई 23 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जुड़ सकता है। ठीक है, और वैसे भी अब तो धीरे धीरे ओपन बुक जा रहा है, तो मई 23 के बाद की कहानी तो और डिफिकल्ट होती रहेगी, जैसे जैसे ओपन बुक आएगा तो GFRS का पेपर देखिए वो लेवल पे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। फिर दिसंबर में ग्रुप निकाला, धन्यवाद सुधांशु जी। हाँ बताइए, और किस किस को क्या क्या पूछना है? हाउ टू ट्रीट, तो अमनदीप जी मैंने आपको तो बता दिया था, आप देख सकते हैं वीडियो, उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, और कोई किसी का कोई डाउट? सर इंडेस 12 में इलस्ट्रेशन 4 में कैरिंग वैल्यू 0 और टैक्स बेस 0.8 लिया है, वो 102 वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं शायद, बुक्स के लिए होता है तो टैक्स बेस में शेयर बेस पेमेंट 1.6/2 क्यों लिया? मेरे हिसाब से तो राजेश जी वो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन गलत है आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे ध्यान में तो आ रहा है, रुकिए मैं 102 ज़रा ढूंढता हूँ।
मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है उसमें। थर्टी फोर सेवन। एक बार मैं ज़रा स्टैंडर्ड ओपन कर लेता हूँ, रुकिए ज़रा आप लोग। 102 इलस्ट्रेशन आप जो बोल रहे हैं वो है 12। रुक जाइए, अरे नहीं ये यही तो था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया था ना, ये 11 है। 12, हाँ 12 में नहीं, इलस्ट्रेशन 4 में ना, गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 4, आई थिंक कुछ तो पेज नंबरिंग का फर्क है। 10.48 पुरानी बुक और नई बुक का फर्क है ना। अरे आपने इंडेक्स 12 बोला ना, मैं 102 में ढूंढ रहा हूँ, एक तो पहले मेरी गलती है। रुकिए रुकिए, टेन पॉइंट 48 कहा ना आपने, ये रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर में आपको बोला गया कि आपने एक शेयर बेस पेमेंट दिया है जिसका वर्थ है 2 करोड़ रुपए, और इंट्रिंसिक वैल्यू 1.6 करोड़ थी ऑन द डेट 31 मार्च 2002। अब हुआ क्या, मैंने मेरे बुक्स के अंदर में अकाउंट कर दिया 4/2 = 2, है ना, 4/2 = 2, मैंने इतने पे अपने बुक्स में ईसॉप को अकाउंट कर दिया। तो अगर मैं ईसॉप का कैरिंग अमाउंट देखूं तो कैरिंग अमाउंट 2 है। अब आप बोल रहे हो सर टैक्स बेस 1.6 / 2 होना चाहिए ना, 0.8, आप बोल रहे हैं कि ये 0.8 होना चाहिए, है ना, 0.8 नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता 0.8? देखो 0.8 इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको डिडक्शन मिला ही नहीं है। अरे भैया आपको जब डिडक्शन मिलेगा तब आप बात कीजिए ना टैक्स बेस की, जब तक कि डिडक्शन नहीं मिलता तब तक कि कहाँ से लिख सकते हैं। इस साल तो डिडक्शन नहीं मिला तो मैं 0.8 कैसे लिखूँ, 0.8 नहीं हो सकता। अब इंस्टीट्यूट ने इसको 0 लिखा है यार, ये 0 नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। और एक मिनट मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ, इंस्टीट्यूट ने टैक्स बेस 0.8 लिख दिया, तो 0.8 तो तब होगा जब डिडक्शन मिलेगा, जब डिडक्शन ही नहीं मिला तो काहे का 0.8, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। और अगर टैक्स बेस 0.8 हो जाता है किसका, शेयर बेस पेमेंट का, विच इज़ क्रेडिट, तो जनरली एक रूल होता है कि वेन कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है। यहाँ तो DTA बन रहा है, यहाँ तो DTA बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो DTA बन रहा है। तो पहली बात तो ये टोटली गलत है, इंस्टीट्यूट का आंसर मेरे हिसाब से गलत है। आंसर होना चाहिए टैक्स बेस 2, कैरिंग अमाउंट 2, और जो टैक्स बेस है वो देखो 1.2 का डिडक्शन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, 1.2 का डिडक्शन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो परमानेंट डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस, ठीक है, मुद्दा समझ में आ रहा है। इसका मतलब 0.8 का डिडक्शन हमको फ्यूचर में मिल जाएगा, वो टेम्प्रेरी डिफरेंस है, ये मेरा आंसर है। अब आप मेरे आंसर पढ़ेंगे तो आप लोग और कन्फ्यूज हो जाएंगे। कैरिंग वैल्यू 2 होना चाहिए, हाँ कैरिंग वैल्यू 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से कैरिंग वैल्यू 2 होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया तो आप क्या करें ना, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो और क्या क्या है, सर कैन यू प्लीज सी व्हाट्सअप, आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए, रुक जाइए हेमंदर जी, मैं आपका, आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। ए लिमिटेड बोरोड 9%, आपको ये क्वेश्चन मिला कहाँ से है? पहला सवाल तो मेरा ये है, क्वेश्चन कहाँ से उठा के लेके आए आप? देखिए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना उसके ऊपर फोकस कीजिए, इस वक्त हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप बोल रहे हैं स्पेसिफिक बोरिंग भी है, हमारा जनरल बोरिंग भी है, जनरल बोरिंग फॉरेन से लिया हुआ है, दो क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट भी, ऐसे क्वेश्चन प्लीज अभी मत पूछे। हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पे फोकस है हमारा। सर इंडिया 116 में इलस्ट्रेशन 31 में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल समझना है, चलिए ठीक है रुक जाइए मैं ज़रा ओपन कर देता हूँ 116।
05। एक मिनट रुक जाइए ज़रा सा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हाँ, इसमें आपने क्या कहा, इलस्ट्रेशन 31, 31 पेज नंबर भी डाल दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा दिक्कत हो जाता है ढूंढने में। 41, 33, 32, 31। तो एक कंपनी है ईपीजी, 10 ईयर, 5 ईयर रिन्यूअल ऑप्शन है आपके पास, इकोनॉमिक लाइफ 40 ईयर्स है, कंपनी हैज़ टेकन अ प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर 30 लाख, फर्स्ट एडवांस पेमेंट 5 लाख विद एन इंक्रीज ऑफ 3% एवरी ईयर, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इम्प्लिसिट रेट 9.04% दिया हुआ है आप लोगों को। तो आप लोगों को ये शेड्यूल समझना है, तो देखो शेड्यूल के अंदर में क्या हुआ, आपने अपने बुक्स में एसेट 50 लाख रुपीज़ पे दिखाया लीज लाइबिलिटी, है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5 लाख रुपीज़ पे कर दिया जा चुका है, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे कर दिया जा चुका है, मतलब जो बैलेंस बचा है वो बचा है 45 लाख रुपीज़, आपकी स्क्रीन पे आने का है, तो जिन्होंने डाउट पूछा उनके पास तो सामने ओपन होगा ना, ये मेरा थोड़ा स्क्रीन का पता नहीं है टेक्निकल इशू और कितने दिन चलने वाला है, मैं आज सिस्टम ही रिप्लेस करवाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो 5 लाख रुपीज़ पे हो चुका है, 45 लाख रुपीज़ बचा है ना, तो अब अगर मैं 45 लाख रुपीज़ के ऊपर 9.04% से इंटरेस्ट लूँ जो कि उन्होंने दिया है, तो वो दिया हुआ है 4,06,800, वो आता है 4,06,800। एक मिनट ज़रा सा स्टॉप करते हैं मिररिंग अपन, और एक बार री मिरर करते हैं। तो देखिए 45 लाख रुपीज़ के ऊपर 9.04% 4,06,800 बराबर हो रहा है, तो मैच होता है। अब नेक्स्ट ईयर आप बोल रहे हैं हर साल जो इंटरेस्ट है, जो रेंट है वो 5% से बढ़ जाएगा, तो रेंट नेक्स्ट ईयर 5% या 5% नहीं 3% आई थिंक, हर साल रेंट 3% से बढ़ जाएगा, तो रेंट हो जा रहा है 5,15,000, बट यू आर गेटिंग अ कंसेशन ऑफ 2 लाख रुपीज़, कंसेशन मिल रहा है आपको 2 लाख रुपये का, तो अल्टीमेटली वॉट यू हैव पेड इज 3,15,000, तो 3,15 आपने पे कर दिया, ठीक है ना, 3,15 आपने पे कर दिया, 45 में मैंने इंटरेस्ट ऐड किया 49,06,800, 49 लाख में ये 3,15,000 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 45,91,000 कुछ तो आता है ना, इस पे दिमाग मत लगाइए, ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा फिगर, 45,91,800, तो 45,91,800 के अंदर में अगर आप 9.04% का इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आ जाता है बराबर 4,15,099, 4,15,099 का आपका इंटरेस्ट एलिमेंट हो गया, है ना, तो ये दो कॉलम्स पे आप लोग दिमाग मत लगाइए इतना ज़्यादा, मेन बाकी के कॉलम्स के ऊपर ध्यान रखिए, तो ये बराबर 50 लाख हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर 5,15,000 में और 3% ऐड हो गया, ये उस तरह से चल रहा है टेबल, ठीक है गणेश जी। सर इंडिया 110 में चेन होल्डिंग वाले क्वेश्चन में सब्सिडियरी की फुल शेयर कैपिटल तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मान के सॉल्व कर लिया, बट टीवाई के क्वेश्चन नंबर 5 में शेयर कैपिटल तो पहले ही 60% होल्डिंग एंड 40% एनसीआई का है। नहीं हेमंदर जी ऐसा कुछ नहीं है, चेन होल्डिंग वाला जो क्वेश्चन है, चेन होल्डिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे में एनसीआई की भी होल्डिंग है, ठीक है ना, आप एक बार हमारे वीडियोज़ देखिए, आपका क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं समझा, पर आप जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, चेन होल्डिंग के सारे क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व किए गए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि फुल शेयर कैपिटल के साथ में सॉल्व हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया 103 में प्री कॉम्बिनेशन ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट के किस हेड में आता है, ऐसा कुछ आता ही नहीं है स्वामीयांशु जी, प्री कॉम्बिनेशन का ऑब्लिगेशन क्या होता है पहले तो आप ये बताइए, आप कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोविजंस करके आ जाता है, प्री कॉम्बिनेशन का कोई ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को आप लाइबिलिटी दिखा रहे हैं तो वो प्रोविजंस के हेड के अंदर में दिखेगा क्योंकि वो कॉन्टिजेंट है, इसीलिए प्री एक्विजिशन शेयर निकाला है दोनों का एफ और, ऐसा नहीं है, आप एक बार वीडियोस देखे, आपने शायद वीडियोस देखे नहीं है बराबर, ये दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से सॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है कोई अलग अलग तरीके से, शेयर चेन होल्डिंग एक ही तरीके से इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है, ठीक है। सर ईसॉप क्वेश्चन एक बार बता दीजिए रिगार्डिंग टैक्स बेस, अक्षय जी मेरे आंसर के साथ जाएंगे ना तो और नहीं समझ में आएगा, मेरे आंसर में तो मैंने सिंपल बता के रखा है कि भाई आपने एक्सपेंस 2 का बुक किया है, पर आपको डिडक्शन जो मिलेगा फ्यूचर में टेम्प्रेरी डिफरेंट डिडक्शन जो मिलेगा वो 1.6/2.8 का मिलेगा, मेरे हिसाब से आपको जो डिडक्शन मिलेगा ना वो 0.8 का मिलेगा,
तो इसका मतलब 1.2 का डिडक्शन इसमें से नहीं मिलेगा, वो परमानेंट डिफरेंस है, तो मैंने परमानेंट डिफरेंस लिख दिया। पर इंस्टीट्यूट का ये आंसर नहीं है, आप इस आंसर के साथ नहीं जा सकते। इंस्टीट्यूट का आंसर है जीरो और टैक्स बेस की जगह उन्होंने 0.8 लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही टोटली गलत है। ये आंसर एग्जाम में लिख के आ गया है और इंस्टीट्यूट ने रिवाइज बुक में भी आंसर अभी तक चेंज नहीं किया है, तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, दिक्कत हो जाएगी, वैसे मत जाइए। सर इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बाइफरकेशन है, हाँ तो कनीष जी अभी समझ गया होगा ना मैंने आपको जो बोला, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बाइफरकेशन छोड़ दीजिए, बाकी तो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा ना आपको। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में गारंटी का एक एग्जांपल सॉल्व करवा दीजिए, पेज नंबर 12.159, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है राजेश जी, आप फाइनेंशियल गारंटी सुमित सारडा करके सर्च करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जिस क्वेश्चन में डाउट है आप वो क्वेश्चन का नाम लिख के या मेरे TY के वीडियोज़ या RTP वीडियोज़ मेरे वीडियोज़ में डालिए, सुमित सारडा नाम ढूंढ के आपको मिलेगा ही, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा के रखे हैं। और पूछिए ठीक है, और किसी का और कोई डाउट? सर प्री कॉम्बिनेशन ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ ESOP रिप्लेसमेंट अवार्ड, अच्छा, ESOP के केस में आप ये कह रहे हैं कि हमने रिप्लेस कर दिया अवार्ड को, तो वो डिफरेंस कहाँ पे जाना चाहिए? वो डिफरेंस आएगा ही नहीं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से आपका क्वेश्चन हो गया सौम्यांशु जी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में तो वो PC में चला गया, अगर आपने रिप्लेस किया तो वो PC में चला गया, है ना। प्री कॉम्बिनेशन ऑब्लिगेशन इज PC, परचेज कंसिडरेशन है वो आपका, तो एक तरफ तो आपने PC में डाल दिया, दूसरी तरफ तो आप ESOP के नाम पे ही लिख रहे हैं, दूसरी तरफ PC डेबिट टू ESOP CFS में। SFS में वो पुराने वाले वैल्यू पे ही चलता रहेगा, पुराने कैरिंग अमाउंट पे, नए कैरिंग अमाउंट के ऊपर नहीं दिखाते सौम्यांशु जी उसको, ठीक है। तो CFS में तो वो दिखेगा परचेज कंसिडरेशन डेबिट टू ESOP, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरी में पुराने वैल्यू के ऊपर ही चल रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर ये डाउट सॉल्विंग सेशन हर वीक ले ली? हाँ, हर वीक रहेगा कनीष जी, हम हर सैटरडे लेने वाले हैं। हैज अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की ज़रूरत है क्या? हाँ राजीव जी, MTP में आया था तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अपन ने सॉल्व करके रखा है ना, देखो ना आप वीडियो, उसको एम्बेडेड डेरिवेटिव के एंगल से, नॉन एम्बेडेड डेरिवेटिव के एंगल से, हर एंगल से सॉल्व किया हमने उसको, आप एक बार देखिए आपको समझ में आएगा। 102 में वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए जिसमें मार्केट चेंज की वजह से, मार्केट प्राइस चेंज की वजह से फेयर वैल्यू चेंज होता है। नहीं, मार्केट प्राइस चेंज के कारण हिमांदर जी कभी फेयर वैल्यू को चेंज किया ही नहीं जाता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। रोज़ एक इंडेस करा रहे हैं, हाँ कुनिका जी रोज़ एक इंडेस, आप तो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप कुनिका जी ऐसा सवाल पूछेंगे तो कैसा चलेगा, ठीक है। कर रहे हैं ना, रोज़ एक इंडेस हो रहा है, कल इंडेस 12 रहेगा, कल इंडेस 12 उठाएंगे, ठीक है। बाकी बताइए और क्या पूछना है। हो गया, सेशन एंड करें, तो चलिए कल मिलते हैं, कल इंडेक्स 12 रहेगा तो जरूर अटेंड कीजिएगा। ESOP क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट जीरो, टैक्स बेस 1.2, तो DTL आएगा, DTA आया है ना अक्षय जी, ठीक है ना। कौन से इंडेस हो गए हैं उसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है TY के क्वेश्चंस करके, नरेंद्र जी आपने तो अटेंड किया है नरेंद्र जी, उसके बाद में आप मेरे को बोल रहे हो कौन से इंडेस, आप हर इंडेस की सेशन में थे, ठीक है, तो मिल जाएंगे आपको, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है।